बच्चों को निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए इस सत्र में विश्व के 142 देशों के साथ यूआईपी के तहत पीसीवी वैक्सीन भारत में भी लगाई जाएगी, जिसका जनपद शाहजहांपुर में 88,000 बच्चे लाभ उठाएंगे। जो शाहजहांपुर जिला है उसमें 29 तारीख से जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन का जो है इस्तेमाल जो है शुरू किया जा रहा है। तो ये पत्रकार बंधुओं को इसलिए कि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि पहले गरीब जनता जो है वो प्राइवेट में ही चलती थी, तो वो लोग इसको जो है नहीं सुविधा नहीं थी। अब ये जो है गवर्नमेंट ने अपने इसमें सेक्टर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो अब लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसको जो है आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि इसका लाभ सब गरीब जनता को मिल सके। किस प्रकार की वैक्सीन है और क्या लाभ मिलेगा बच्चों? ये निमोनिया की वैक्सीन है, ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन, ज्यादातर जो नवजात शिशु के पास जो निमोनिया की बीमारी हो जाती थी उससे ज्यादातर बच्चे मर जाते थे, तो इसके बाद लगने के बाद इससे ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अन्य देशों में भी इसका प्रयोग हो चुका है और सभी जगह जो है वहां पर जो है डेथों को बचाया जा चुका है, इसलिए इंडिया में भी ये इंट्रोड्यूस की गई है और इसको जो है पब्लिक में जो है सभी जगह लगाया जाए। कब से शुरू की जाएगी वैक्सीन? 29 मई से पहले यहाँ जरा शाहजहांपुर जिले में शुरू की जा रही है। कितना लक्ष्य शाहजहांपुर को मिला है? 88,000 जो है यहाँ का लक्ष्य है। पूरी जो जितने भी बच्चे हैं 1.5 महीने, 3.5 महीने और 9 महीने पर बूस्टर लगेगा। ये 3 डोजेज हैं इसकी और इससे कंप्लीट जो है न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया है उससे बचाव होगा।